नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक किन्ना की बहुत ही दुख भरी कहानी। किन्ना ने क्या श्राप दिया? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मदनपुर गांव में ही मोतीलाल अपने परिवार के साथ रहता था। मोतीलाल गांव का मुखिया था। गांव के लोग मोतीलाल का बहुत सम्मान करते थे। मोतीलाल की पत्नी ओमवती गर्भवती थी। ओमवती 9 महीने की गर्भवती थी और मोतीलाल का यही सपना था। उसकी पत्नी ओमवती एक लड़के को जन्म देकर गांव में उसका मान सम्मान और बढ़ा दे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोतीलाल के जीवन में गमों के बादल छाने वाला था। मोतीलाल का सपना आईने की तरह टूटने वाला था। अमावस की काली रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। कुत्ते और बिल्लियों की मनहूस आवाजें आने लगी थीं। चमगादड़ की डरावनी आवाजें माहौल को और ज्यादा डरावना कर रही थीं। आंधी तूफान की वजह से खिड़कियां एक दूसरे से टकराने लगी थीं। तभी अचानक मोतीलाल की पत्नी ओमवती को प्रसव पीड़ा से पेट में दर्द होने लगा। उस जमाने में जो हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं थी, ऐसी परिस्थितियों में लोग दाई माँ को बुलाते थे। मोतीलाल पास के गांव से दाई माँ को लेकर आया। एक घंटे के बाद बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। दाई माँ बच्चे को देखकर हैरान हुई और दुखी मन से ओमवती से कहने लगी, यह बच्चा एक किन्न है। तुमने एक किन्न बच्चे को जन्म दिया है। दाई माँ की बातें सुनकर माँ मती के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओमवती बेहोश हो जाती है। दाई माँ ओमवती की आंखों में पानी मारती है और उमा मती को जगाती है। ओमवती दाई माँ से कहती है, दाई माँ, इस सच्चाई को किसी को मत बताइए। इस राज को सबसे छुपा कर रखो। दाई माँ किसी को सच्चाई नहीं बताने का वादा करती है और थोड़ी देर बाद मोतीलाल दाई माँ से पूछता है, दाई माँ बताइए, ओमवती को लड़का हुआ है या लड़की? दाई माँ ये सुनकर पसीने से भीग जाती है। दाई माँ सच्चाई को छुपाते हुए कहती है कि आपके यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। मोतीलाल खुशी से नाचने लगता है और 1000 के नोट निकालकर दाई माँ की झोली में डाल देता है। मोतीलाल इस बात से अनजान था कि उसके घर एक किन्ना ने जन्म लिया है। मोतीलाल के घर नन्हे से मेहमान के आने की खुशी में गांव के सभी लोग बधाइयां देने पहुंच गए थे। मोतीलाल अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। गांव के सभी लोग बच्चे की तारीफ कर रहे थे और इधर ओमवती इस बात से घबरा रही थी। अगर गांव वालों को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? मोतीलाल गांव के सभी लोगों से कहते हैं, आज से कुछ दिन बाद बच्चे का नामकरण होगा। आप सभी लोग मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने जरूर आना। ओमवती थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि यह बच्चा एक किन्न है। अगर लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो गांव में बहुत बदनामी होगी। ओमवती अपने मासूम से बच्चे की तरफ देखती है और सोचती है, कितना मासूम बच्चा है मेरा। मुझे ये भी पता नहीं कि इसका भविष्य क्या होगा। क्या समाज इसे अपनाएगा? भगवान ने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया है? इतना कहकर वह अपने बच्चे को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। तभी मोतीलाल अपनी पत्नी से कहता है कि उमरावती, तुम क्यों रो रही हो? तभी ओमवती कहती है कि यह तो खुशी के आंसू हैं। हमारा लल्ला कितना खुशनसीब है, इतने सारे लोगों का प्यार जो इसे मिलने वाला है। ओमवती की बातें सुनकर मोतीलाल गर्व से कहता है, हाँ हाँ, हमारा लल्ला दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा है। मैं इसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। मोतीलाल की बातें सुनकर ओमवती परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, जब आपको सच्चाई का पता चलेगा कि यह किन्न है, तब शायद इस बच्चे को आप नहीं अपनाओगे। कुछ दिन बाद नामकरण का समारोह आयोजन होता है। गांव के सभी लोग मुखिया मोतीलाल के घर आने लगते हैं। ओमवती अपने किन्न बच्चे को तैयार करके पालने में लिटा देती है। सभी मेहमान नए बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आए थे। पंडित जी मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा करने लगते हैं
और एक बड़ा सा दिया लगाकर सभी से कहते हैं इस बच्चे का नामकरण करिए। तभी अचानक कुछ किन्नर लोग ताली और ढोल बजाते हुए बच्चे के नामकरण समारोह में पहुंच जाते हैं। ओमवती किन्नर लोगों को देखकर डर जाती है और बच्चे पालने में से अपनी गोद में उठा लेती है। किन्नर औरतें बच्चे को घेर कर नाचने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हाय हाय कितना सुंदर बच्चा है, इसे किसी की नज़र ना लगे। हम दिल से बहुत सारा आशीर्वाद बच्चे को देते हैं। मोतीलाल खुश होकर 1000 का नोट निकालकर किन्नर लोगों को दे देता है। तभी पंडित जी कहते हैं कि बच्चे का नामकरण करिए। शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा है। तब मोतीलाल अपने बच्चे का नाम बोलने वाला ही था, तभी एक किन्नर आगे बोल देता है इस बच्चे का नाम जीत होना चाहिए। मोतीलाल आगे कुछ कहता कि दिया बुझ जाता है। पंडित जी कहते हैं इस बच्चे का नाम जीत रखना होगा क्योंकि दिया बुझ गया है और यह विधि दोबारा करना शुभ नहीं है। ओमवती डर के मारे कांपने लगती है क्योंकि गलती से एक किन्न के जरिए मोतीलाल के किन्न बच्चे का नामकरण हो गया था। ओमवती अपने किन्न बच्चे को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है और रोने लगती है। मोतीलाल गांव वालों से कहता है आप सभी लोग अपने अपने घर चले जाइए, नामकरण का समारोह समाप्त हो चुका है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से मोतीलाल और गांव के सभी लोग ओमवती के किन्न बच्चे को जो जीत कहकर पुकारने लगे थे, दिन बीतने लगे थे। देखते ही देखते ओमवती का बेटा जीतू 5 साल का हो गया था। मोतीलाल सच्चाई से अनजान था, इसलिए किन्न जीत को बहुत प्यार से लालन पालन कर रहा था। मोतीलाल अपने किन्न जीत को लेकर पाठशाला जाता है। पाठशाला में अध्यापक जी जीत को देखकर कहते हैं आज से आपके बेटे की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपके बेटे को इस काबिल बनाएंगे कि एक दिन पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन, यह आपका नाम रोशन करेगा। अध्यापक की बातें सुनकर मोतीलाल बहुत खुश हो जाता है, अपने किन्न जीत को पाठशाला में बैठा कर घर चला आता है। दिन बीतने लगे और किन्न जीत पढ़ाई में सब विद्यार्थियों से बहुत आगे था। अध्यापक भी किन्न जीत से बहुत प्रेम करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन किन्न जीत ने ऐसी हरकत की, उसकी वजह से उसके सभी दोस्तों को उसके किन्न होने का राज पता चलने ही वाला था। तभी ओमवती ने राज को छुपा लिया। एक दिन की बात है, किन्न जीत अपने दोस्तों के साथ पाठशाला से घर की तरफ आ रहा था। तब रास्ते में कुछ किन्न लोग नाच और गा रहे थे। किन्न लोगों को नाचता देखकर किन्न जीत खुद को रोक नहीं पाया और खुद भी किन्न लोगों के साथ मिलकर नाचने लगा। जीत के सारे दोस्त हैरान थे क्योंकि किन्न जीत इतना सुंदर नाच रहा था, उसे देखकर किन्न लोग और जोर से ताली और ढोल बजाने लगे। किन्नर जीत के सभी दोस्त हैरानी से उसका नाच देखने लगे। तभी अचानक जीत की माँ ओमवती आ गई और जीत को थप्पड़ लगाकर बोली तुझे पाठशाला भेजा था पढ़ने के लिए और तुम किन्नर लोगों के साथ मिलकर नाच रहे हो। ओमवती किन्नर जीत का हाथ पकड़कर घर लेकर जाती है और जीत जोर जोर से रोने लगता है। तभी मोतीलाल उमरावती से पूछता है कि तुम बच्चे को क्यों रुला रही हो। तभी ओमवती बात को छुपाते हुए कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, पाठशाला से आते वक्त अजीत रास्ते में फिसलकर गिर गया था इसलिए रो रहा है। किन्नर जीत हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखता है और सोचता है माँ ने पिताजी से झूठ क्यों बोला, मैं तो किन्नर लोगों के साथ मिलकर नाच रहा था। जीत चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और बिना खाना खाए ही सो जाता है। अगले दिन सुबह मोतीलाल अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ और तुम जो बेटे का ख्याल रखना। इतना कहकर मोतीलाल शहर चला जाता है। ओमवती सोचने लगती है कि मेरा अजीत अब बड़ा हो रहा है, उसे एहसास हो रहा है कि वह किन्न है। अगर मेरे पति को ये बात पता चली तो जीत को घर से निकाल देंगे, मुझे इस सच्चाई को सबसे छुपाना होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जीत भी अब समझदार होने लगा था। जीत के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा था।
जीत औरतों की तरफ आकर्षित होने लगा था। उसे अब लड़कों के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, जब ओमवती अपने कमरे में सो रही थी, तब जीत चुपके से अपनी माँ के कमरे में गया और माँ की साड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, कंगन, झुमके लेकर अपने कमरे में चला आया। जीत किन्ना ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और माँ की साड़ी पहनकर आईने में खुद को देखने लगा। उसे पहली बार औरत होने का एहसास हुआ। फिर उसने माथे पर लाल बिंदिया लगाई, हाथ कंगन पहने, कानों में झुमका लगाया और अपने कमरे में नाचने लगा। किन्ना जीत बहुत ज्यादा खुश था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे आज एक नई जिंदगी मिली है। किन्ना जीत अब पूरी तरह से किन्ना बन चुका था। किन्ना सोचने लगा कि मैं लड़का नहीं, मैं एक लड़की हूँ, पर यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थोड़ी देर बाद जब किन्ना जीत वापस अपनी माँ के कमरे में गया और कमरे में जो साड़ी लिपस्टिक लाया था वापस वहीं पर रख दिया। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत रहे थे। अजीत पाठशाला से घर आता और चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाता और श्रृंगार करता और खुद को निहारने लगता। दिन ऐसे ही बीतने लगे थे। ओमवती फिर से गर्भवती थी। ओमवती अब जीत की देखभाल नहीं कर सकती थी। ओमवती के गर्भवती होने की बात जानकर मोतीलाल भी शहर से लौट आए थे। अब ओमवती सारा दिन अपने कमरे में आराम करती थी, इसलिए जीत भी माँ के कमरे में औरतों के सिंगार का सामान नहीं ला सकता था। अब किन्ना जी दुखी रहने लगा क्योंकि उसकी मनचाही चीज उससे दूर थी। अब किन्ना जीत कुछ दिनों के लिए साड़ी पहनकर आईने में खुद को निहार नहीं पाएगा। एक दिन की बात है, मोतीलाल अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। घर पर किन्ना अकेला था। उसी मौके का फायदा उठाकर जीत अपनी माँ के कमरे में गया और माँ की साड़ी पहनकर लिपस्टिक बिंदी लगाकर जोर जोर से नाचने लगा। किन्ना जीत को नाचते हुए घर के नौकर भीमा ने देख लिया। भीमा को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मालिक का बेटा अजीत एक किन्ना है। भीमा चुपके से कमरे में गया और जीत से कहने लगा, बाबा आप साड़ी पहनकर क्यों नाच रहे हैं? सच सच बताओ आप कौन हो? आप एक किन्ना हो ना? जीत बुरी तरह डर गया और नौकर भीमा से कहने लगा, तुम ये बात मेरे पिताजी को मत बताना, नहीं तो मुझे घर से निकाल देंगे। नौकर भीमा कहने लगा, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, उसके लिए आपको कुछ देना होगा। तभी अजीत अपने गले से सोने की चैन निकालकर नौकर भीमा को दे देता है और भीमा से कहता है, तुम ये घर छोड़कर गांव चले जाओ। भीमा उसी दिन गांव चला जाता है। मोतीलाल अपनी पत्नी उमावती के साथ जब घर आता है तो देखता है कि जीत अपने कमरे में सो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक ओमवती को प्रसव पीड़ा होने लगी। मोतीलाल ने पास के गांव से दाई माँ को लेकर आया। थोड़ी देर बाद ओमवती ने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की संतान होने के कारण मोतीलाल खुश तो नहीं था, उसे बेटा चाहिए था। मोतीलाल ने कन्या शिशु को अपनी गोद में नहीं उठाया। मोतीलाल अपनी पत्नी ओमवती को धमकाने लगा, मुझे लड़का चाहिए था और तुमने एक लड़की को जन्म दिया। मैं इस लड़की को कभी भी बाप का प्यार नहीं दूंगा। मेरी एक ही संतान है और वो है जीत। मोतीलाल सच्चाई से अनजान था। मोतीलाल जिसे अपना बेटा समझ रहा था वो एक किन्ना था। ओमवती सच्चाई जानते हुए भी किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। उसने अपने सीने में राज को दफन कर लिया था। ओमवती ने अपनी बेटी का नाम मेघा रखा। मेघा देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जीत अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। किन्ना जीत अब धीरे धीरे जवान हो रहा था। उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। जीत की बहन मेघा भी बड़ी होने लगी थी। किन्ना जीत इस बात से अनजान था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। एक दिन की बात है, उमावती के मायके से उसका भाई उसे शादी में लेने के लिए आया था, इसलिए मायावती अपने मायके में अपने भाई की शादी थी। इसलिए उमापति अपनी लड़की मेघा को साथ लेकर कुछ दिन के लिए मायका घूमने चली गई थी। ओमवती ने जीत को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर जीत ने जाने से इनकार कर दिया।
जीत इसलिए जाने से मना कर रहा था। वो माँ की साड़ी पहनकर किन्ना बनना चाहता था। उसे सिंगार करने की बड़ी इच्छा थी। अब घर में मोतीलाल और जीत थे। मोतीलाल जब जरूरी काम से बाहर गया, तब मौके का फायदा उठाते हुए जीत अपनी माँ के कमरे में चला गया और किन्ना जीत ने अपनी माँ की साड़ी पहनी। माथे पर लाल बिंदी लगाकर जोर जोर से नाचने लगा। आज जीत की किस्मत खराब थी। उसे एहसास नहीं था उसे। ये सब करते हुए उसके पिता मोतीलाल देख रहे हैं। मोतीलाल को जब सच्चाई का पता चला कि जीत एक किन्न है, तो मोतीलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोतीलाल जीत के पास आया और जीत के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारा। किन्न जमीन पर गिर पड़ा। मोतीलाल इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो गुस्से में जीत को बहुत पीटने लगा। किन्ना जीत अपने पिता मोतीलाल के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं निर्दोष हूँ। भगवान ने मुझे किन्न बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष है? पिताजी, आज के बाद मैं कभी भी औरतों के कपड़े नहीं पहनूंगा और सिंगार भी नहीं करूंगा। पिताजी, आप मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मोतीलाल जीत को धक्का देकर घर से निकाल देते हैं। मोतीलाल गुस्से में अपने बेटे जीत से कहते हैं कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है और मैं तेरा बाप नहीं हूँ। आज से दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। अगर दोबारा गलती भी की और यहाँ आने की कोशिश की, तो तेरी माँ और बहन को भी तेरे साथ भेज दूंगा। चला जा यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर मोतीलाल दरवाजा बंद कर देता है। रा किन्न जीत रोते रोते उस गांव से चला जाता है। जीत एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और पेड़ के नीचे ही सो जाता है। कब रात हो जाती है जीत को पता नहीं चलता। जब किन्न जीत की खुलती है, तब उसे भूख लगने लगती है। मोतीलाल ने जीत को इतना पीटा था, उसकी वजह से जीत का बदन दर्द कर रहा था। रोते रोते आंखें भी सूख गई थीं। जीत ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। दर्द और भूख से जीत रोने लगा था। उसे अपनी माँ उमरावती की याद आने लगी थी। तब कुछ किन्न उसी रास्ते से जा रहे थे, जब किन्न की नज़र जीत पर पड़ी। तब सभी किन्न उस जीत के पास जाकर जीत को सहारा देने लगे और पूछने लगे, क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम इतनी रात को अकेले सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? तो किन्न जीत रोते रोते कहने लगा कि मैं एक किन्न हूँ, इसी वजह से पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। इधर जब ओमवती अपनी बेटी को लेकर मायके से घर आई, तब देखती है कि जीत घर पर नहीं है। ओमवती परेशान हो जाती है और घर के सभी नौकरों से पूछती है, मेरा बेटा जीत कहाँ है? सभी नौकर खामोश थे। तभी मोतीलाल आता और ओमवती से कहता है कि तू जीत की चिंता मत कर, मैंने जीत को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया है। ओमवती इस बात से अनजान थी कि जीत शहर नहीं गया। मोतीलाल ने जीत को घर से निकाल दिया था। जिस राज को उमापति इतने दिनों से अपने सीने में छुपा रखा था, उससे पर्दा उठ चुका था। मोतीलाल जान चुका था कि जीत एक किन्न है। मोतीलाल अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए विद्यालय भेज देता है। धीरे धीरे मेघा अपने भाई जीत को भूलने लगी थी। ओमवती जब भी मोतीलाल से जीत के बारे में पूछती, तो मोतीलाल यही जवाब देता कि जीत शहर में मेरे करीबी रिश्तेदार के घर में है और तुम जीत की चिंता मत करो। बेचारी मायावती भी क्या करती, जीत की चिंता में कमजोर होने लगी थी। और इधर जीत भी किन्न बस्ती में बहुत खुश था। किन्न लोग जीत से बहुत प्यार करते थे। किन्न जीत अब लड़कों की तरह नहीं रहता था। उसे अब लड़कों के कपड़े पहनने से आज़ादी मिल चुकी थी। किन्न जीत अब साड़ी पहनता, माथे पर लाल बिंदिया, लगातार कानों में झुमके और बालों में गजरा भी लगाता। किन्न जीत एक खूबसूरत लड़की बन चुका था। किन्न जीत जहाँ भी जाता, लोगों की नजरें उसको घूरने लगती। जीत जब शादी, जन्मदिन जैसे समारोह में जाता, तो लोगों का मनोरंजन करता किन्न। जीत को बहुत पैसे मिलते थे।
देखते ही देखते किन्नर काफी जीत जो काफी लोकप्रिय बन चुका था। जब भी जीत को अपनी माँ उमापति की याद आती तब सुजीत रोने लगता। वो इतना मजबूर था अपनी माँ से मिलने भी नहीं जा सकता था क्योंकि मोतीलाल ने जीत को घर जाने से मना किया था। जीत भगवान से कहता था, भगवान मेरी माँ को खुश रखना। एक दिन की बात है, किन्नर जीत पिता मोतीलाल ने अपनी बेटी की शादी पास के मुखिया के बेटे भीमराज से तय कर दी थी। मेघा की माँ धूमावती बहुत खुश थी। ओमवती अपने पति से पूछती है कि मेरे बेटे को बुला लीजिए। अब उसकी बहन की शादी भी तय हो गई है। मोतीलाल गुस्से में कहता है, किसका बेटा, एक किन्नर मेरा बेटा नहीं हो सकता। मोतीलाल की बातें सुनकर ओमवती बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, आपको सच्चाई कैसे पता चली और मेरा बेटा जीत कहाँ है? आपने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? बताइए ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तभी मोतीलाल कहता है, मैंने उस किन्नर को घर से निकाल दिया। मैं एक किन्नर को बाप का प्यार नहीं दे सकता। समाज क्या कहेगा कि मोतीलाल एक किन्नर का बाप है? ओमवती यह सुनकर रोने लगी और कहने लगी, आपने ऐसा अनर्थ क्यों किया? वो एक किन्नर है तो क्या हुआ? वो आपकी ही तो औलाद है। उसकी रगों में भी तो आपका खून बह रहा है। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आप सच सच बताइए, मेरे बेटे के साथ क्या किया आपने? तभी मोतीलाल कहता है, मैंने उस किन्नर को मेरा बेटा मत कहिए। मैंने उसे घर से निकाल दिया है। वह हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए मर चुका है। अगर दोबारा उसका नाम लिया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी घर से निकाल दूंगा। अपने बेटे के जाने के गम में ओमवती टूट कर बिखर चुकी थी। ओमवती अपने पति से कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि पति का विरोध करना एक औरत के लिए बहुत कठिन निर्णय होता है। दिन बीतने लगे थे। देखते ही देखते ओमवती अपने बेटे के गम में बीमार पड़ चुकी थी। ओमवती ठीक से खाना भी नहीं खाती थी। मोतीलाल तो इतना निर्दयी इंसान था, उसे अपनी पत्नी की जरा भी फिक्र नहीं होती थी। पत्नी ने कुछ खाया है या नहीं ये सवाल पूछने का भी वक्त उसके पास नहीं था। ओमवती बेहोशी की हालत में अपने जीत को पुकारती थी और इधर किन्नरों की सरदार किन्नर माँ ने जीत को बहुत प्यार से पाला था। उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी और किन्नर जीत अब शादियों में जाता था और शादियों में डांस करके बहुत सारे पैसे कमा कर लाता था। अब जीत बहुत अमीर बन चुका था। उसके पास खुद की गाड़ी थी और रहने के लिए एक बड़ा घर था। किन्नर जीत अब लोकप्रिय डांसर बन चुका था। उसका डांस देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे थे। एक दिन जीत अपनी माँ और बहन को याद करके बहुत रो रहा था। अपने पिता के डर से अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकता था। जब किन्नर रो रहा था तब किन्नर माँ ने किन्नर जीत को सहारा देते हुए कहा, बेटी क्या बात है, तुम इतनी क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? तब वह कहने लगा कि माँ, मुझे अपनी माँ और बहन के बारे में वह किन्नर माँ को बताने लगा और कहने लगा, मेरी माँ और बहन की मुझे आज बहुत याद आ रही है। मैं कितना बदनसीब हूँ कि उनसे मिलने भी नहीं जा सकता। तब नरमा कहती है, क्या तुम्हारी बहन का नाम मेघा है? तो किन्नर जी चौंक जाता है और कहता है, आपको कैसे पता चला कि मेरी बहन का नाम मेघा है? तब किन्नर माँ कहती है, हमें पता चला है, उसकी शादी पास के गांव के मुखिया के बेटे भीमराज से तय हुई है। भीमराज एक पहलवान है और गांव के अखाड़े में कुश्ती करता है। किन्नर जीत बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मेरे पिता कितने निर्दयी हैं। मेरी बहन की शादी तय कर दी और मुझे बताया भी नहीं। मुझे अपनी बहन मेघा की बहुत याद आ रही है। मैं बचपन से मैं उसे देखा था उसको। अब क्योंकि अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी, मेरी बहन शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएगी कि मैं उसका भाई जीतू। तब के नरमा कहती है कि दुखी मत हो जीत, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। हम दोनों चेहरा बदल कर जाएंगे, कोई भी हमें नहीं पहचान पाएगा। किन्नर जीत बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ के गले लग जाता है और जीत सोचने लगता है कि अब वो अपनी माँ से भी मिलाएगा।
माँ के हाथों का बना बने हुए लड्डू खाएगा। बहन को बहुत सारा प्यार देगा। बहन के लिए नए कपड़े, कंगन, झुमके लाकर देगा। किन्नर जीत इस बात से अनजान था कि उसकी ओमवती माँ, जो बहुत बीमार पड़ चुकी थी, वो बार बार अपने बेटे को याद करती थी। अपने बेटे के आने के इंतजार में अपनी आँखों की पलकें खुली रखी थी कि कब उसका बेटा आएगा और उसे वो जी भर कर निहारेंगे कि किन्नर। जीत को देखने की आस में ओमवती और जायदा बीमार हो गई थी। मोतीलाल तो इतना निर्दयी था, ओमवती को अस्पताल भी लेकर नहीं गया था। मोतीलाल अपने बेटी मेघा की शादी की तैयारियों में इतना मगन था उसका। उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि ओमवती अब कुछ दिनों की मेहमान है। इधर धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और शादी का दिन आ गया था। शादी वाले दिन मोतीलाल ने बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया था। गांव के सभी लोग शादी में आए हुए थे। घमंडी मोतीलाल दिखावा कर रहा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। गांव वाले जब जीत के बारे में पूछते तब मोतीलाल बहाने बनाते हुए कहता, जीत को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया है। मोतीलाल लड़के वालों को दहेज में देने के लिए बहुत सारा सोना और पैसा एक बैग में डालकर लड़के के पिता को देता है और कहता है, आपको जो भी चीज चाहिए मुझसे मांग सकते हैं। और इधर मायावती किस हाल में थी ये देखने का भी समय मोतीलाल के पास नहीं था। मोतीलाल अपने दामाद भीमराज से कहता है कि आज से तुम मेरे बेटे हो और मेरी संपत्ति के हिस्सेदारी में तुम्हारा भी अधिकार है। शादी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैं अपनी सहेलियों के साथ तैयार हो रही थी। शादी के मंडप में पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। दूल्हा चेहरे पर सेहरा सजाकर मंडप पर बैठा हुआ था। सब अतिथि शादी में दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक कुछ किन्नर ताली और ढोल बजाते हुए शादी के समारोह में शामिल हो गए। उस किन्नरों के झुंड में किन्नर जीत भी शामिल था। किन्नर लोग जोर जोर से ताली और ढोल बजाकर गाना गाकर नाचने लगे। किन्नर जीत भी नाचने लगा था। किन्नर लोगों को नाचते देखकर मेघा गुस्सा होने लगी और कहने लगी, आप लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तब किन्नर जीता आता है और अपनी बहन को गले से लगाते हुए कहता है, बहन मुझे पहचाना, मैं जीत हूँ। मेघा चौंक जाती और कहती है, कौन जीत, आप किसकी बात कर रहे हो? तभी जीत कहता है कि मैं तुम्हारा भाई। जीतू बहन माँ कहाँ है? माँ शादी में नहीं आई क्या? तभी मेघा कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई एक किन्नर है। मेघा गुस्से में कहती है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको याद करके अपना जीवन बिता रही है। किन्नर ये सुनकर जीत बहुत दुखी हो जाता है और दौड़ते हुए अपनी माँ से मिलने जाता है। और इधर ओमवती अंतिम सांसें ले रही थी और अपने बेटे को पुकार रही थी। तभी जीत हुआ आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ। माँ तो वो कहती है, आ गया, मेरा बेटा कहाँ था? तो तभी जीत कहता है कि माँ आपकी ऐसी हालत कैसे हुई, और ये देखकर वो रोने लगता है। तभी ओमवती कहती है, बेटा तुम आ गए, ये बूढ़ी आँखें तुझे देखने के लिए तरस गई थी। मैंने सोचा था तुम नहीं आओगे, लेकिन भगवान ने मेरी पुकार सुन ली और तुम्हें वक्त रहते मेरे पास भेज दिया। तभी किन्नर जीत अपनी माँ को गले से लगाकर कहता है, माँ आपकी हालत इतनी खराब क्यों है? माँ आपने खाना नहीं खाया। माँ आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अस्पताल में भर्ती कर दूंगा, वहाँ पर आपका इलाज होगा, देखना बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तभी ओमवती कहती है, बेटा इतने दिन तुम कहाँ थे, तो मुझसे मिलने भी नहीं आए, इस बूढ़ी माँ को भूल गए थे, क्या मेरे पति ने तुम्हारे साथ क्या जुल्म किया था? बेटा बताओ, और उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? किन्नर जीत गुस्से में कहता है, माँ यह मोतीलाल मेरा पिता नहीं है, इसने मुझे बहुत मारा पीटा था, मुझे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने उस दिन उनके पैर पकड़कर बहुत माफी मांगी थी, मुझे घर से मत निकालो, बहुत मैंने विनती की थी,
उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे आपसे भी मिलने से मना कर दिया था। अगर मैं आपसे मिलने आया तो वो आपको और बहन को भी घर से निकाल देंगे। इसलिए मैं आपसे दूर किन्नरों की बस्ती में चला गया था। माँ, आप मेरे साथ चलो। आपको यहाँ से लेकर मैं हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊँगा। तभी मोतीलाल वहाँ आ गया और अपने आदमियों से कहने लगा, इस किन्नर को यहाँ से बाहर निकालो। इस किन्नर की वजह से मेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है। इस किन्नर को उठाकर बाहर फेंक दो। तभी किन्नर जीत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने पिता से कहता है, आज आपकी वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब है। आपने मेरी माँ का इलाज क्यों नहीं करवाया? इसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। और लाठी उठाकर अपने पिता को पीटने लगता है। मोतीलाल के आदमी जीत पर जो हमला कर देते हैं और जो जीत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और इधर ओमवती अपनी आंखों में आंसू लिए जीत को मार खाता देखकर उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इधर मोतीलाल जीत को घसीटते हुए घर के बाहर भेजने की कोशिश करता है। तभी एक किन्नर की नजर जीत पर पड़ती है तो वो किन्नर कहता है कि छोड़। शोर मचा देता है। मोतीलाल ने हमारे किन्नर साथी पर हमला कर दिया है, कोई उसे बचाओ रहे। तभी शादी समारोह में जितने भी किन्नर आए हुए थे सभी उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन मोतीलाल के आदमी वहां से उन्हें भगाने की कोशिश करने लगते हैं। और इधर किन्नर जीत को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। जीत ने अपनी आंखें खोली तो सामने जो नजारा देखा उसकी वजह से किन्नर जीत बुरी तरह कांप गया, क्योंकि जीत के सामने कुछ किन्नर घायल हो चुके थे, कुछ जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। किन्नर जीत उठा तो अपने पिता को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। और किन्नर जीत गुस्से में कहता है कि पिताजी, आप दानव हैं। आज तेरी वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। आज तेरी वजह से मैं अनाथ हो गया। आज तेरी वजह से मेरे किन्नर साथियों की ऐसी हालत हुई है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किन्नर जीत मोतीलाल को मारने वाला था। तभी मोतीलाल के आदमियों ने बिजली की तार काट दी, जिसकी वजह से अचानक बिजली चली गई। बिजली जाने के बाद मोतीलाल ने अपने आदमियों से कहा, इस किन्नर को जान से मार दो। मेरी बेटी की शादी में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए किन्नर जीत को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किन्नर जीत अंधेरे में भागने की कोशिश करने लगा। तभी मोतीलाल के आदमी किन्नर को पकड़ लेते हैं और जीत, जो कि दर्द से छटपटा रहा था। अंदर इतना हंगामा हो रहा था और इधर शादी वाले घर में किसी को कुछ भी पता नहीं था। मोतीलाल के आदमी किन्नर जीत के मुंह में कपड़ा भर देते हैं और पीछे के रास्ते से ले जाते हैं। किन्नर दर्द से तड़प रहा था। मोतीलाल के आदमी जीत को जंगल की तरफ ले जाते हैं। मोतीलाल भी पीछे पीछे चला जाता है। जंगल पहुंचने के बाद मोतीलाल के आदमी जो जीत को जमीन पर फेंक देते हैं। मोतीलाल अपनी बीवी ओमवती की लाश को दफनाने के लिए जंगल में ले आता है। किन्नर जीत अब अपनी माँ की लाश को देखता है तो तब वो जोर जोर से रोने लगता है। किन्नर जीत मोतीलाल से कहता है, हे पापी, तेरी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। राक्षस, एक दिन तू मेरे हाथों से मरेगा। अभी मैं तुझे जान से मार दूंगा। किन्नर जीत गुस्से में पिता पर हमला करने जाता है। तभी मोतीलाल के आदमी मिलकर किन्नर जीत का माथा फोड़ देते हैं। किन्नर जीत के माथे से खून बहने लगता है। तभी मोतीलाल एक धारदार चाकू अपने बेटे जीत के पेट में घुसा देता है और किन्नर जीत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसके बाद मोतीलाल अपने आदमियों से दो कब्र खोदने के लिए कहता है। एक कब्र में ओमवती को दफना आता है और दूसरी कब्र में जीत को दफनाने लगता है। जख्मी हालत में किन्नर जीत मोतीलाल और पूरे मदनपुर गांव को श्राप देता है। मोतीलाल तो गीदड़ की मौत मरेगा, तेरे शरीर में भयंकर बीमारी होगी। तेरी वजह से मेरी माँ तड़प तड़प कर मरी है। एक दिन तू भी तड़प तड़प कर मरेगा, तेरा विनाश होगा।
इस गांव के किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इस गांव में भी भयंकर बीमारी आएगी, कोई नहीं बच पाएगा, सभी गांव वाले मारे जाएंगे। किन्नर जी तड़प तड़प कर मर जाता है और किन्नर और उसकी माँ धूमावती को दोनों को साथ में दफना दिया जाता है। किन्नर जीत के श्राप की वजह से मोतीलाल की बेटी मेघा की शादी में बाधा आती है। मेघा का पति अचानक रहस्यमयी तरीके से मर जाता है। मेघा की शादी टूट जाती है। शादी टूट जाने के गम में मेघा जहर पीकर आत्महत्या कर लेती है। दूल्हा दुल्हन की अचानक मौत हो जाने के बाद सभी गांव वाले परेशान थे। मोतीलाल अपनी जवान बेटी को खोकर सीना पीट पीट कर रो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगर किन्नर जीत को जान से न मारा होता तो शायद जीता जिंदा होता। उसकी लापरवाही की वजह से पत्नी ओमवती भी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अब मोतीलाल अपने बुरे कर्मों को याद करके सीना पीटने लगा। अब मोतीलाल की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका अपना कहने को कोई नहीं था। मोतीलाल को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। गांव वाले मोतीलाल से कहते हैं, बेटी और दामाद को शमशान लेकर जाना चाहिए। हमारे साथ चलिए। मोतीलाल कहता है, मैं शमशान नहीं जाऊंगा। मैं पापी हूँ, राक्षस हूँ। मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मेरे अहंकार, मेरे घमंड ने मेरा हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया। मेरा बेटा जीते किन्न है। उसकी इसी सच्चाई को छुपाने के लिए मैंने इन्हीं हाथों से उसको मार डाला। मेरी पत्नी बीमार थी। मैंने बीमार पत्नी का इलाज नहीं कराया। इसकी वजह से वह तड़प तड़प कर मर गई। मैं पिता कहने के लायक ही नहीं हूँ। मोतीलाल की बातें सुनकर गांव वाले सोचते हैं, बेटी और दामाद के मरने की वजह से मोतीलाल का दिमाग जो सदमा गहरा लग गया है और उसका दिमाग में जो कमी आ गई है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मोतीलाल को अपने हाल में छोड़कर गांव वाले सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बाकी के गांव वाले मिलकर मेघा और उसके पति का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। दिन बीतने लगे थे। किन्नर जीत की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने वापस गांव आ जाती है। गांव में अजीब अजीब हरकतें होने लगी थीं। गांव के लोगों की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो रही थी। गांव में महामारी दिखाई देने लगी थी। गांव वालों के शरीर में बड़े बड़े घाव होने लगे थे। छोटे छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे थे। मोतीलाल भी इस बीमारी की चपेट में था। मोतीलाल का शरीर घाव से भर गया था। मोतीलाल न तो ठीक से खाना खा सकता था और न पानी पी सकता था। मोतीलाल को अपनी पत्नी ओमवती की याद आने लगी थी। ओमवती जब बीमार पड़ गई थी तब मोतीलाल ने उसका इलाज नहीं करवाया था, न ही खाना खाना दिया और न ही कोई दवाई दी। मोतीलाल बिस्तर पर लेटकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा था। तभी अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक तालियों की आवाज आने लगी और जोर जोर से हंसने की आवाजें भी आने लगती। मोतीलाल अपने आसपास देखता, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता था। देखते ही देखते मोतीलाल बिस्तर से गिर गया। मोतीलाल बुरी तरह से डर गया था और चिल्लाने लगा था, कौन है, सामने आओ। तभी अचानक किन्नर जीत का भूत सामने आ जाता है और नाचने लगता है। किन्नर जीत नाचते हुए जोर जोर से ताली बजाता है और कहता है, मोतीलाल तेरा अंत समय निकट है, तुझे मरना होगा, तू तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी भोली माँ का क्या कसूर था? मोतीलाल, अगर वक्त रहते ही मेरी माँ का इलाज करवाया होता तो आज मेरी माँ जीवित होती। मेरी बहन मेघा भी मेरी तरह मेरी ही वजह से मरी है, उसे भी मारने वाला तू है। गांव वालों की मौत का जिम्मेदार भी तू ही है। अब मोतीलाल माफी मांगने लगता है तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो जीत, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। आज मेरी वजह से मासूम गांव वाले मर रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। गांव वालों को माफ कर दो जीत, उनकी कोई गलती नहीं है।
मैं सब गांव वालों से माफ़ी मांगूंगा और यह ऐलान करूंगा। गांव में अगर किसी किन्न बच्चे का जन्म होगा तो उसे अपनाया जाएगा। उस बच्चे को दूसरे बच्चों की तरह माँ बाप का प्यार दिया जाएगा। आज के बाद कोई भी किन्न बच्चा किन्न बस्ती नहीं जाएगा, इस गांव में रहेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। किन्न जीत की आत्मा वहाँ से चली जाती है। मोतीलाल रोने लगता है और अपनी पत्नी को याद करता है कि ओमवती मुझे माफ कर दो। अगर मैंने अपने किन्न बच्चे को अपनाया होता तो आज हमारा एक हंसी खुशी सुखी परिवार होता। अगले दिन सुबह गांव वाले मिलकर किन्न जीत और उसकी माँ धूमावती को कब्र से निकालते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। गांव वाले पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए उमरावती और जीत का अंतिम संस्कार करा देते हैं। गांव वाले मिलकर माफी मांगते हैं। आज के बाद गांव वाले कभी भी किसी किन्न औरत पर अत्याचार नहीं करेंगे। किन्न लोगों की इज्जत करेंगे। अगर किसी के घर किन्न बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को अपनाएंगे। किन्न बच्चे को भी जो उसके माता पिता का प्यार दिया जाएगा। आज से किन्न हमारे समाज का एक हिस्सा होंगे। गांव वालों से माफी मांगने के बाद किन्न जीत की आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में महामारी खत्म हो गई। किन्न अजीत को मारने के जुर्म में पुलिस मोतीलाल और उसके आदमियों को गिरफ्तार करती है। मोतीलाल अपने किए हुए पापकर्मों के लिए सभी गांव वालों से माफी मांगता है। पुलिस मोतीलाल और उनके आदमियों को जेल भेज देती है। किन्न जीत को इंसाफ मिल चुका था। उस दिन के बाद से उस गांव में कभी किन्न औरतों का अपमान नहीं हुआ। गांव वाले और किन्न लोग सभी साथ साथ रहकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।